आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूखी अरबी की सब्ज़ी, जो मेरी फेवरेट है और आप अगर ट्राई करेंगे तो शायद आपकी भी हो जाए। और इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, कम मसाले में बनती है, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधी किलो अरबी ले रही हूँ। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। अरबी को अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसे कुकर में डाल करके सीटी लगा लेंगे। तो इसमें 3 से 4 सीटी लगने के बाद ये अरबी अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। तो मैंने कुकर में डाल दी हैं, अब मैं इसमें 3 से 4 सीटी लगा लूँगी। तो अरबी बॉईल हो चुकी हैं, उसके बाद हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे छील लेंगे। छीलने के बाद, ये सारी अरबी छीलने के बाद, आप इसको बीच ऐसे हाथ में रख कर के और इसको दबाएंगे, थोड़ा इसको फ्लैट कर लेंगे। सारी अरबी इसी तरह से हम दबा लेंगे। और अब हम एक क्या करेंगे, एक पैन में लेंगे सरसों का तेल। तो इसको सरसों के तेल में बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। सरसों का तेल डाल दिया है मैंने करीबन यहाँ पे 4 बड़े चम्मच, थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है इसमें। इसमें मैंने डाला है अजवाइन, हल्दी और हींग। और इसके बाद हम डाल देंगे अरबी और धीरे धीरे इसको पलट पलट के सेक लेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। बस इससे ज़्यादा हमें इसमें मसाले नहीं डालने हैं। और इसके ऊपर है ना, आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल लें, जिससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक करके ऐसे गर्मा गर्म सर्व करें।